नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल जीओबी पीवीटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन रोजगार से जुड़े समाचार तो मिलेंगे ही, जहां से आप रोजगार के लिए आवेदन भी भर सकते हैं। हमारे इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर हुआ तबादला, बिहार में लगा नीडल फ्री कोरोना वैक्सीनेशन पर ग्रहण। बिहार में फिर आए कोरोना के कम मामले, पटना में 173 दरोगा और इंस्पेक्टर का हुआ तबादला। खेती के काम में इस्तेमाल नहीं होगा डीजल। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर हुआ तबादला। बीते दिन बिहार में बड़े स्तर पर तबादलों का दौर देखने को मिला। पुलिस महकमे के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों का तबादला देखने को मिला। बिहार सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग और चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अधिकारी का तबादला किया गया है। मुजफ्फरपुर के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार को स्वास्थ्य विभाग में अपर निदेशक, वहीं पूर्वी चंपारण के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार झा को शिवहर का मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बनाया गया है। उनके अलावा भी अन्य अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसकी पूरी सूची बिहार सरकार की तरफ से जारी की गई है। बिहार में अभी लोगों को ठंड और बारिश से नहीं मिलेगी राहत। बिहारवासियों को अभी ठंड और बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद बनती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सूबे में पूर्वा हवा का प्रवाह बंद हो गया है और पछुआ हवा देखने को मिल रही है। पर्वतीय राज्यों से आ रही उत्तरी पछुआ हवा से राजधानी पटना सहित कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति अभी भी बनती दिखाई दे रही है। बिहार में हालांकि अभी बारिश की संभावना तो बनती हुई नहीं दिख रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के बाद पछुआ हवा के कारण कई इलाकों में ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम सामान्य तौर पर शुष्क रहेगा, जिसके बाद उम्मीद है कि लोगों को ठंड से धीरे धीरे राहत मिल सकती है। साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो पछुआ हवा का प्रवाह बने होने से 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क होने के साथ ही आकाश साफ रहेगा। बिहार के ये दो विभाग बनेंगे मजबूत। बिहार में अपराध अनुसंधान विभाग की तर्ज पर आर्थिक अपराध इकाई और मध्य निषेध प्रभाग समेत पुलिस की कई इकाइयों के दफ्तर अब रेंज स्तर पर भी होने वाले हैं। इसको लेकर गृह विभाग ने संयुक्त भवन के निर्माण की अनुमति दे दी है। भवन की डिजाइन भी इसको लेकर तय कर ली गई है। उम्मीद है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। संयुक्त भवन का निर्माण रेंज वाले जिला मुख्यालय में होगा, जो कि बहुमंजिला होने के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाओं से युक्त होने वाला है। पिछले दिनों ही हुई बैठक में इसका नक्शा भी तय कर लिया गया है। इससे इन एजेंसीज के काम का दायरा और व्यापक होने वाला है। स्थानीय स्तर पर चीजों पर नजर रखना और तत्काल कार्रवाई करना भी आसान हो जाएगा। ज्ञात हो, रेंज स्तर पर बनने वाले संयुक्त भवन के निर्माण पर करीब 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पटना के 173 दरोगा और इंस्पेक्टर का हुआ तबादला। बीते दिन बिहार में बड़े पैमाने पर तबादला देखने को मिला। इसी कड़ी में एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पटना के 173 दरोगा और इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार इसमें 43 अवर निरीक्षक, 126 सहायक अवर निरीक्षक और 4 इंस्पेक्टर का नाम शामिल है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इन सभी इंस्पेक्टर को सालों से एक ही जगह रहने के कारण ये अवर निरीक्षक और सहायक अवर निरीक्षक बदले गए हैं। हाल ही में रेंज आईजी के स्तर पर पटना और नालंदा जिले के 1600 कांस्टेबल को इधर से उधर किया गया था। इसके बाद ही एसएसपी ने पटना जिले के एसआई और एएसआई के संबंध की तो पाया कि 176 एसआई और एएसआई 3 साल से अधिक समय से एक ही थाने में पदस्थापित है। इसके बाद ही इन सभी पुलिस पदाधिकारियों की लिस्ट बनाई गई है और एसएसपी ने सभी का तबादला कर दिया है। अब पुलिस मुख्यालय के सभी रेंज स्तर पर खुलेंगे फील्ड ऑफिस। बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में लगी बिहार पुलिस अब पुलिस मुख्यालय की तरफ से फील्ड कार्यालय खोलने की तैयारी कर रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इसका उद्देश्य अपराध नियंत्रण से लेकर बेहतर पुलिसिंग की अवधारणा लागू करना है। इसके तहत ही पुलिस के 12 रेंज में सभी इकाइयां एक ही छत के नीचे दिखाई देंगे। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय की अलग अलग इकाइयां जैसे सीआईडी, ईओयू, आधुनिकरण, विशेष शाखा, कमजोर वर्ग समेत अन्य सभी विंग एक ही भवन में खुलेंगे। इसको लेकर सभी भवनों में 5 से 5.5 करोड़ की लागत से एक एक भवन तैयार किया जाएगा। इन भवनों में सभी संबंधित विंगों के अलग अलग अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। खास बात यह है कि इसके प्रस्ताव को गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि अब जल्द ही इसको लेकर काम भी शुरू हो जाएगा। बिहार में लगा नीडल फ्री कोरोना वैक्सीनेशन पर ग्रहण। बिहार में कोरोना वैक्सीन की नीडल फ्री पेनलेस वैक्सीनेशन की शुरुआत कई दिनों पहले हुई थी, जिसके बाद से ही बिहारवासियों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब इसे बंद कर दिया गया है। आपको याद हो तो इस वैक्सीनेशन की शुरुआत 4 फरवरी को हुई थी, लेकिन उसके अगले ही दिन यानी कि 5 फरवरी से ही प्रदेश में नीडल फ्री वैक्सीनेशन का काम बंद हो गया। नीडल फ्री वैक्सीनेशन बंद होने की वजह यह रही कि लोगों का रिस्पॉन्स काफी कम दिखा। पटना जिले में मात्र 3 लोगों ने ही नीडल फ्री वैक्सीन का वैक्सीनेशन करवाया और वैक्सीन का 7 डोज बर्बाद हो गया। मिली जानकारी के अनुसार
नीडल फ्री वैक्सीन के वैक्सीनेशन में भी काफी समस्या आई। राजधानी पटना में पहले दिन 3 वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का इंजेक्ट पूरी तरीके से खराब हो गया। स्वास्थ्य विभाग को काफी परेशानियां भी आई। बीते दिन बिहार में फिर आए कोरोना के कम मामले। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 236 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1420 पर पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में पटना में सबसे ज्यादा 49 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कैमूर, खगड़िया, नालंदा, नवादा और रोहतास में एक भी नए मामलों की पुष्टि नहीं हुई है। गोपालगंज में 13, पूर्णिया में 19, सहरसा में 16, सुपौल में 10, वैशाली में 11 मरीज मिले हैं। बाकी के जिलों में 10 से कम मामले मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि बीते 24 घंटे में 1,39,029 सैंपल की जांच हुई। प्रदेश में अब तक कुल 8,14,917 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। बिहार में प्लस टू स्कूल के विकास के लिए सरकार ने खोला खजाना। बिहार में पंचायत स्तर पर स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 16-16 कमरों का 3 मंजिला भवन होने वाला है और उसमें विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होने वाली है। खास बात यह है कि यह विद्यालय पूरी तरीके से कॉलेज जैसी सुविधाओं से लैस होने वाले हैं, जहां पर छात्र छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने नए वित्त वर्ष के लिए 9,200 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को तैयार कर लिया है और उस पर वित्त विभाग से सहमति ली जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में पंचायत स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सुविधाओं से लैस करने का निर्देश दिया था। बिहार बोर्ड रोक सकता है मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दे रहे कई छात्र छात्राओं का रिजल्ट रोकने के संकेत दे चुका है। इसको लेकर बोर्ड की तरफ से बार बार चेतावनी भी दी जा रही है। इस बाबत संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी लगातार कई बार सूचित किया जा चुका है कि अपने स्कूल से कन्फर्म हो ले कि कहीं आपका स्कूल भी इस कार्रवाई की जद में तो नहीं है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार बोर्ड में परीक्षा शुल्क स्कूल के जरिए परीक्षा समिति तक पहुंचाना है, लेकिन कई स्कूल की तरफ से शुल्क का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। बिहार बोर्ड ने शुरुआती दौर में ऐसे छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र जारी नहीं करने की चेतावनी दी थी, लेकिन फिर प्रवेश पत्र तो जारी कर दिया गया, लेकिन ये तय है कि उनका रिजल्ट नहीं आएगा। अब बाहर के देश में रहने वाले बिहारी घर बैठे बैठे करा सकेंगे जमीन से जुड़े काम। बिहार के बाहर रहने वाले बिहारी और प्रवासी अब राज्य सरकार की ऑनलाइन सेवाओं से परिचित होने वाले हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आज ही जमीनी बातें 5 कार्यक्रम के तहत अप्रवासी बिहारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुटने वाले हैं। बिहार फाउंडेशन इसे अमेरिका में होस्ट करते देखे गए। इसके बाद ही अब अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी बिहारी ये जानेंगे कि अमेरिका में बैठे वो बिहार में अपनी जमीन से जुड़े काम को किस प्रकार से करवा सकते हैं। इन्हें बिहार भूमि पोर्टल की जानकारी दी गई। ज्ञात हो ये पोर्टल पिछले साल ही लॉन्च हुआ था, जिसका इस्तेमाल मोबाइल के जरिए भी किया जा सकता है। आयोजन के पहले अप्रवासी बिहारियों को निबंधन के लिए लिंक भेजा गया था। समाचार लिखे जाने तक करीब 314 लोगों ने अपना निबंधन करा लिया था। बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बिहार में कंपनी ने किया बड़ा दावा। बिहार में बिजली का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिजली कंपनियां इसी कोशिश में लगी हुई हैं कि सभी शहरी उपभोक्ताओं के घर जल्द से जल्द ऐसे मीटर लगा दिए जाए। इस बीच इस खास मीटर को लेकर के बिजली कंपनी ने भी बड़ा दावा किया है। कंपनी की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार उपभोक्ताओं की संतुष्टि के मामले में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को 5 में 4.1 की रेटिंग हासिल हुई है। बिजली कंपनी के आला अधिकारियों ने कहा है कि ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। हम आपको बता दें कि कई उपभोक्ताओं ने इस मीटर से अधिक खपत दिखाए जाने की शिकायत भी की है, जिसे कंपनी ने खारिज किया है। विदेश में कालाधन जब्त करने के लिए बिहार में जल्द ही खुलेगा आयकर का अलग विंग। विदेशों में हो रही काली कमाई को ठिकाने लगाने या निवेश करने वालों पर आसानी से शिकंजा कसने और तेजी से कार्रवाई करने को लेकर बिहार में तैयारियां तेज हो गई है। आयकर विभाग के बिहार में मौजूदा क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत जल्द ही फॉरेन एसेट्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट का गठन होने जा रहा है। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इसकी मंजूरी दे दी है। बिहार से पहले गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत करीब 7 अन्य राज्यों में इस विशेष यूनिट का गठन हो चुका है। बिहार में भी इसकी अंतिम दौरे में है। साल 2022-23 की शुरुआत में इसे शुरू होने की संभावना थी। बिहार में FAIU के गठन से बिहार के अलावा झारखंड समेत आसपास के कुछ अन्य राज्यों से जुड़े ऐसे मामलों की समुचित मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। खेती के काम में इस्तेमाल नहीं होगा डीजल। साल 2024 तक कृषि क्षेत्र डीजल से मुक्त होने जा रहा है। इसकी पुष्टि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने खुद की है। इस बाबत उन्होंने बताया है कि कृषि क्षेत्र में डीजल के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के 100% लक्ष्य को उक्त अवधि तक हासिल करने की योजना है। ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव विषय पर वर्चुअल माध्यम से देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने उक्त बातें कही। इस दौरान बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुभानी, बिजली के CMD और ऊर्जा सचिव संजीव हंस भी शामिल थे। बिहार में आबादी घनत्व सबसे ज्यादा, विशेष ध्यान दे केंद्र सरकार।
मुंगेर सड़क पुल के लोकार्पण के मौके पर बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए केंद्र सरकार से आग्रह है कि बिहार पर विशेष ध्यान दे। बिहार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, देश की तरक्की में बिहार का योगदान अहम होगा। मुंगेर के लाल दरवाजा इलाके में उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 20 साल पहले इस पुल के शिलान्यास के समय मैंने सभी मुंगेर वासियों से अनुरोध किया था कि अपने घरों में खुशी के दिए जलाए। आपको बता दें कि पुल निर्माण की स्वीकृति मुंगेर वासियों के लिए ऐतिहासिक मौका था। विराट कोहली की फॉर्म को लेकर रोहित ने दे दिया सटीक जवाब। विराट के बल्ले से रन निकलना क्या बंद हुआ, क्रिकेट के पंडितों ने उन्हें ज्ञान देना शुरू कर दिया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अब कोहली के फॉर्म को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पत्रकारों द्वारा विराट की फॉर्म को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ही रोहित शर्मा ने बड़ी बात कही है। रोहित ने कहा कि क्या विराट को कॉन्फिडेंस की जरूरत है, आप क्या बात कर रहे हैं, हम विराट की फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं है, शतक नहीं बनाना एक अलग बात है। उन्होंने हाल में दक्षिण अफ्रीका में 3 मैच में 250 बनाए, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके साथ कुछ गलत है। टीम मैनेजमेंट उनके फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं है। खिलाड़ी और व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं कि हमें किस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अर्चना गुप्ता, वैद्यनाथ ठाकुर, नुनु कुमार, सौरभ मिश्रा, राज कुमार, बबलू कुमार, उपासना कुमारी, समर राज, धीरज कुमार, उपेंद्र कुमार सिंह, अमन कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, शंकर मुखिया, शिव शंकर कुमार शाह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके जिले में पर्यटन के लिहाज से कौन सी जगह सबसे ज्यादा मशहूर है, अपने जिले का नाम और जवाब लिखकर कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।